हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं मैक्रोनी बनाने। मैक्रोनी बनाने की विधि, सबसे पहले हम लोग लेंगे कढ़ाई में 2.5 कप पानी। पानी को तेज आंच पर उबालेंगे, उसमें डालेंगे नमक, जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम उसमें डालेंगे मैक्रोनी। और हम उसको अच्छे से चला लेंगे। और अब यह हमारी मैक्रोनी उबलकर तैयार हो गई है। उबले हुए मैक्रोनी को ठंडे पानी में धुल लेंगे, जिससे उसका चिपचिपापन निकल जाए। और उसको एक साफ बर्तन में निकाल लेंगे और उसको फैलाएंगे, जिससे कि वो एक दूसरे से चिपके ना रहे। और लेंगे 2 प्याज, मटर, धनिया, 2 टमाटर, 1 मिर्च। और अब हम मटर फ्राई करने के लिए लेंगे कढ़ाई में तेल। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें मटर डालेंगे और मटर को फ्राई कर लेंगे। तेज आंच पर हम उसको भूनेंगे और थोड़ी देर बाद हम उसको धीमी आंच कर देंगे। और फिर हम आंच को धीमी कर देंगे। मटर पकने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। अब हम मैक्रोनी बनाने के लिए मैक्रोनी अनुसार डालेंगे तेल। तेल को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे जीरा। जीरा ब्राउन होने के बाद उसमें डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्दी को धीमी आंच पर पकाएंगे। हल्दी पकने के बाद उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, फिर बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। हल्का ब्राउन होने पर हम उसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और उसको चलाते रहेंगे। अभी हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, काली मिर्च, चाट मसाला, मैगी मसाला, फिर हम डालेंगे नमक। नमक और मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे।
फिर हम डालेंगे भुना हुआ मटर। फिर हम भुने हुए मटर को मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमारी मैक्रोनी ना बिल्कुल चिपकी हुई, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, और हम इसको पेस्ट में मिलाएंगे। और हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है।